वेलकम टू हर्फ, अ प्रोजेक्ट ऑफ कॉन्सेप्ट सॉल्यूशंस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो फिजिक्स बेस्ड और ऑन डिमांड एक टॉपिक है, जो एक स्टूडेंट डिमांड की थी कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, वर्क पावर एंड एनर्जी का। तो हम बेसिकली इस तरीके से डील कर सकते हैं इसको कि अगर हम बेसिकली वर्क की बेसिक डेफिनेशन पे जाएं और मैथमेटिकल पे जाएं तो वो ये है कि वर्क इज इक्वल टू एफ इन टू डी। लेकिन ये चीज़ कैसे डिराइव हुई, कैसे आई, इस बात में यह है कि अगर हम एक बॉडी है उसको एक फोर्स पे उस पर एक फोर्स अप्लाई करते हैं और उसी फोर्स की वजह से एक वो बॉडी एक बेसिक डिस्टेंस कवर करती है डी, उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में फोर्स है, तो उस बॉडी ने बेसिकली एक एनर्जी उसमें हमने ट्रांसफ़र की, एक बॉडी में हमने कैपेसिटी ट्रांसफ़र की कि वो इस फोर्स से उस डिस्टेंस तक मूव कर सके। तो फॉर एग्जांपल हमने बॉडी के ऊपर 1 न्यूटन की फोर्स अप्लाई की और उसने 1 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, तो ये हो गया 1 न्यूटन मीटर, यानी कि 1 जाउल। यानी कि हमने बॉडी में 1 जाउल की अगर हम एनर्जी ट्रांसफ़र करेंगे तो उस बॉडी की कैपेसिटी ये है कि वो एक मखसूस डिस्टेंस कवर कर सकती है। इसी तरह अगर हम इसको एक एंगल पे ले लेते तो बेसिकली ये फोर्स का मैग्नीट्यूड कम हो जाता और वो एक कंपोनेंट में डिवाइड हो जाती, तो इसीलिए हम वर्क को एफ डॉट डी कॉस थीटा से भी डिनोट करते हैं। तो आपके पास यहाँ पर ये बेसिक डेफिनेशन आ जाती है वर्क की। अब हम इस चीज़ को इस तरह से भी लेके चल सकते हैं कि जो वर्क है, जो पावर है, वो बेसिकली है वर्क पर यूनिट टाइम। अब हमने एक उसी चीज़ को यहाँ तक जो है अपना लेके गए एक मखसूस फोर्स के साथ, और इसके साथ भी फोर्स लगाई और उसको भी लेके गए, यहाँ फोर्स भी सेम था, डिस्टेंस भी वही कवर हुआ, यहाँ भी फोर्स सेम है, डिस्टेंस भी वही कवर हुआ, लेकिन इस बॉडी ने 2 सेकंड में टाइम लगाया यहाँ तक पहुँचने का, इस बॉडी ने 1 सेकंड टाइम लगाया यहाँ तक पहुँचने का। इसका मतलब ये है कि दिस बॉडी वॉज स्लोअर देन दिस वन। इसका मतलब ये हुआ कि इस बॉडी की पावर कम है, मतलब ये उसी एनर्जी को ज़्यादा टाइम में कंज्यूम कर रहा है और ये उस एनर्जी को कम टाइम में कंज्यूम कर रहा है। तो पावर का फैक्टर इसी तरह आ जाता है कि अगर ये एक 1 जाउल हमारी एनर्जी थी और उसने 1 सेकंड में किया तो 1 जाउल पर सेकंड या 1 वाट कहते हैं जाउल पर सेकंड को। और सिमिलरली अगर हम दूसरी बॉडी लें, एनर्जी यानी 1 जाउल ही थी उसकी और दूसरा 1 जाउल और दूसरा हमारे पास था 2 सेकंड्स, तो उसके पास आ गया 0.5 वाट, यानी कि दोनों की पावर्स में अच्छा खासा फ़र्क है। तो ये आ जाता है हमारे पास कॉन्सेप्ट पावर का। हम इसको ज़्यादा डिटेल में भी अगले अपने लेक्चर्स में करेंगे, लेकिन अभी तक पावर हम ये पढ़ सकते हैं। और पावर को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, अगर हम इस फॉर्मूले को ड्राइव करें कि डेल्टा डब्ल्यू बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू, यहाँ डेल्टा डब्ल्यू की जगह पर मैं डाल देता हूँ जी, एफ इंटू डेल्टा टी डी जो डिस्टेंस कवर्ड है डेल्टा टी, और डेल्टा डी बाई डेल्टा टी इज योर वेलोसिटी। तो यहाँ पर हमें ये पता चला कि एक बॉडी की वेलोसिटी कम थी, एक बॉडी की वेलोसिटी ज़्यादा थी, जिससे पावर अफेक्ट हुई। थर्ड पार्ट आ जाता है जी एनर्जी। बेसिकली एनर्जी क्या, एनर्जी एक तरीके का वर्क ही है, लेकिन वो किस फॉर्म में है। अगर वर्क मोशन की फॉर्म में आ रहा है तो भाई ये हम इसको काइनेटिक एनर्जी कह देंगे, अगर वर्क पोजीशन की फॉर्म में आ रहा है तो इसको हम पोटेंशियल एनर्जी कह देंगे। एक बॉडी मूव कर रही है तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी स्टोर्ड है, लेकिन एक बॉडी मखसूस पॉइंट पर है और वो बॉडी उस एनर्जी को यूज़ कर सकती है। फॉर एग्जांपल मैंने एक बॉडी को उठा के इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ले आया, अब इस बॉडी में ये पोटेंशियल है कि वो वापस इस पॉइंट तक आ सकती है, तो यानी कि इसके अंदर हमने एक वर्क किया और एक एनर्जी स्टोर करा दी, तो ये एनर्जी है बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर हम इस पर देखें कि हमने इस पर कितना वर्क किया एक मखसूस हाइट तक पहुँचाने के लिए, इस पर हमने फोर्स लगाई इसके वेट जितनी ताकि इसको हम लिफ्ट कर सकें, तो वेट इनटू इसकी जो हाइट है डिस्टेंस कवर हुआ और वेट हो गया एम जी एच, तो ये आपकी आ गई पोटेंशियल एनर्जी। इसी तरह अगर हम मोशन की बात करते हैं तो वो आ जाती है आपकी काइनेटिक एनर्जी। तो एनर्जी पावर और वर्क का बेसिक कॉन्सेप्ट यही था। अगर आपको मज़ीद कुछ भी किसी हवाले से इशू हो, हमारे नेक्स्ट लेक्चर्स में हम इस पर मज़ीद बात करेंगे वर्क पावर और एनर्जी क्या है, तो ज़रूर हमें बताइए। थैंक्स फॉर जॉइनिंग कॉन्सेप्ट।